गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, तो जो हमारा रिवीजन चल रहा है उसका आज नेक्स्ट डे का आज करते हैं। जिस शब्द में आ उपसर्ग है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ अमर, आ आराम, तो बा आराम इसका सही उत्तर है। हार के लिए दो अलग अलग अर्थ हैं, आ माला पराजय, बा फूलमाला, तो इसका उत्तर है आ माला पराजय। इनमें से क्रिया शब्द है आदीप, बा जगाना, तो उसका उत्तर है बा जगाना। जिसका कोई मोल ना हो के लिए एक शब्द है आ अनमोल, बा मूल्यवान, तो इसका सही उत्तर है आ अनमोल। जमीन पर पाँव ना पड़ना मुहावरे का अर्थ है आ काटे चुभना, बा प्रसन्न होना, तो इसका उत्तर है बा प्रसन्न होना। किसी के चारों ओर घूमना आ परिक्रमा, बा घेरा, तो इसका उत्तर है आ परिक्रमा। किसी भी वस्तु को बांटने की क्रिया आ साझेदारी, बा विभाजन, तो इसका उत्तर है बा विभाजन। लालच करने वाला आ लालची, बा वफादार, तो आ लालची। फूला नहीं समाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आ फूल जाना या बा बहुत खुश होना, तो इसका उत्तर है बा बहुत खुश होना। उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अकता, बाता, तो उत्तर है बाता। आँख का सही बहुवचन होगा आ आँखें, बा नेत्र, तो इसका उत्तर है बा नेत्र। डाली का सही बहुवचन होगा आ डाल, बा डालियाँ, तो इसका उत्तर है बा डालियाँ। बादल का सही पर्यायवाची आ मेघ, बा आसमान, तो इसका उत्तर है आ मेघ। घर का सही पर्यायवाची आ भवन, बा सद महल, उत्तर है आ भवन। कमरा शब्द है आ पुल्लिंग, बा स्त्रीलिंग, तो इसका उत्तर है आ पुल्लिंग। शिक्षा शब्द है आ स्त्रीलिंग, बा पुल्लिंग, तो इसका उत्तर है बा आ स्त्रीलिंग। बे उपसर्ग लगाकर बनने वाला शब्द आ बेगम, बा बेवजह, तो इसका उत्तर है बा बेवजह। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले कहलाते हैं आ क्रिया विशेषण। अच्छा का विलोम होगा बा आ सही, बा बुरा। ताकतवर का विलोम होगा आ कमजोर, बा शक्तिशाली, तो इसका उत्तर होगा आ कमजोर। फिर से रिपीट करते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग है? आराम। हार के लिए दो अलग अलग अर्थ हैं माला पराजय। इनमें से क्रिया शब्द है जगाना। जिनका कोई मोल ना हो के लिए एक शब्द है अनमोल। जमीन पर पाँव ना पड़ना का अर्थ मुहावरे का अर्थ है काटे प्रसन्न होना। किसी के चारों ओर घूमना मतलब परिक्रमा। किसी भी वस्तु को बांटने की क्रिया विभाजन। लालच करने वाला लालची। फूला नहीं समाना बहुत खुश होना। उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता। आँख का सही बहुवचन होगा आँखें। डाली का सही बहुवचन होगा डालियाँ। बादल का सही पर्यायवाची मेघ। घर का सही पर्यायवाची भवन। कमरा का शब्द है पुल्लिंग। शिक्षा शब्द है स्त्रीलिंग। बे उपसर्ग लगाकर बनने वाला शब्द है बेवजह। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले कहलाते हैं क्रिया विशेषण। सही का विलोम होगा बुरा। अच्छा का सही विलोम होगा बुरा। ताकतवर का विलोम होगा कमजोर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।